नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रकाश खत्री और ये है मेरे पापा राणूलाल देव किशन जी खत्री। जिन किसान भाइयों ने स्वाति बीज लगाए हैं उनके अनुभव उनकी जुबानी सुनिए और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारी स्वाति सीड चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद। राम 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 राम। आज हम स्वाति कंपनी का तरबूज जो कि यहाँ पे किसान भाई उपस्थित हैं, 20-25 किसान भाई है और ये पूछते हैं किसान भाई से कि तरबूज उनको कैसा लगा। राम राम सर। राम राम। नाम क्या आपका? जिगर भाई मसरू भाई। जिगर भाई मसरू भाई। गांव? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़। तालुको? इडर। इडर। तालुका? जिला साबरकांठा। जिला साबरकांठा। हाँ। अच्छा तो ये तरबूज कौन सी जात है? वो स्वाति 707 है। स्वाति 707। तो देखने के लिए कहाँ पे आए हो आप? हम प्रकाश भाई के वाड़ी में चोरीवाड़ में आए हैं। चोरीवाड़ में। हाँ। अच्छा और ये जो खेत है यहाँ पे लगा हुआ है ये भानपुर पाटिया? हाँ वो वागपुर बोलते हैं। वागपुर बोलते हैं। ये किसान भाई भी यहाँ पे उपस्थित हैं और इनके गाँव के लोग हैं आज। तो इस साल ये जो आपने देखा बहुत तरबूज देखते हो वर्षों से लगा रहे हो, तो ये तरबूज में आपको क्या अच्छा लगा? तो वो तरबूज बहुत बढ़िया है, उस साइज में बड़े बड़े हैं, चाइनीज अच्छी है और वो माल में जो बैठक होती है वो अच्छी है और ये बियारण भी अच्छा है, उसका कटिंग भी अच्छा है। अच्छा तो देख सकते हैं ये साइज अभी है लगभग दिन की कितने किसान भाई से पूछ रहे कितने दिन के हो? प्रकाश जी कितने दिन की हो गई है? 42 डे हो गए हैं यानी 42 दिन हो गए हैं। इसकी पकने की क्षमता भी देख सकते हैं एक तरबूज जो कटिंग है कि वो 42 दिन में कैसा है। तरबूज का देख सकते हैं ये 42 दिन का तरबूज है। तो यहाँ पे सब किसान भाई हैं उनको भी तरबूज कैसा है कटिंग 42 दिन का आप देख सकते हैं। इधर बढ़िया 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 है। तो ये जो स्वाति कंपनी का 707 है तो किसान भाई को भला मन कर सकते हैं ये वैरायटी करेंगे ना? यानी इसके इसमें मेन खासियत क्या है? ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए कैसी रहेगी? अच्छा रहेगा। अच्छा में क्या है उसमें? क्योंकि वो हाँ। उसमें बीज कैसी दिखती है आपको? इतनी नहीं कम बीज है। तरबूज कड़क है? हाँ है ना। यानी जल्दी ये डैमेज नहीं होगा? फूटेगा नहीं जल्दी? ना नहीं। 100 किलो का माड़ा इस पे पर चल जाए तो भी कुछ नहीं होगा। ओके